आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक साजिश के तहत जेल भेजा गया ताकि पार्टी को तबाह किया जा सके। राज्यसभा के रुकुन संजय सिंह ने आज मीडिया से कहा कि इस मुल्क और दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को बदनीयती पर मबनी एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है। केजरीवाल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की माओं और बहनों को तालीम, सेहत, बिजली, पानी और मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे वजीर आला को जेल में डालने के पीछे बहुत गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। संजय सिंह ने यह भी इंकशाफ किया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने शराब घोटाला किया है। उन्होंने बताया कि शराब घोटाले में छोटे लोग मुलविस नहीं हैं, बल्कि बीजेपी की आला क़यादत के लोग मुलविस हैं। मनीष जी के सेक्रेटरी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पे, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, और उसमें कौन से कागज का वो जिक्र कर रहा है, कौन सा कागज दिया। तो मेरे ख्याल से ये बातें झूठ और बुनियाद झूठ और बेवकूफी की एक पराकाष्ठा है जिसको तैयार किया है। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे? क्या या? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको? इस शराब घोटाले पे क्या कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने, आप बताइए मुझे। गोवा इलेक्शन, जब मैंने आपको बता दिया जिन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, कैसे लिया, कितने दबाव में लिया और पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, ये सारा